कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, प्रीवियस एपिसोड में जब हमने सुना कि जैन मौत के करीब होता है, उस वक्त पेरिजात को अपनी ताकतों का एहसास होता है और वो जैन को महफूज कर काया को ख़त्म करती है, और दूसरी तरफ अरीना ये सब देख गुस्से से पागल हो जाती है। सो नाउ स्टार्ट एपिसोड नंबर 11 चैप्टर 2। नूरा जैन की ताकत उसमें वापस भेज बेहोश हो जाती है। सब उसे लेकर घर आ जाते हैं। जब उसे होश आता है, सायरा फिर उससे बात करती है। इस बार नूरा मना नहीं करती बल्कि जैन से निकाह करने के लिए हाँ कर देती है। इस पर जैन को यकीन नहीं आता, इसलिए वो नूरा से बात करने जाता है। नूरा उसकी तरफ से बदगुमान होती है और कहती है, आप भले ही मुझसे प्यार ना करें पर मैं आपकी माँ को दिया हुआ वादा ज़रूर निभाऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जैन हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे कैसे बताएं कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। सिली गर्ल, वो सोचकर रह गया। निखत से मदद लेनी होगी, उसने सोचा और अंदर आ गया। वो कमरे में इधर उधर टहल रहा था और इस बात पर ही निखत की बर्दाश्त जवाब दे गई। भाई, बहुत हुआ, अब बता भी दीजिए कि मैं आपकी मदद कैसे करूं? जैन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। तुम उसकी दोस्त कैसे हो सकती हो जब तुम्हें ये पता ही नहीं कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं? तो आपने उससे कौन सा अच्छा बिहेवियर रखा जो वो आपके गीत गाती, उसको आपके पास से आते हुए और खामोशी से रोते हुए ही देखा है? आप है ही मिस्टर रूट। क्या कहा? मिस्टर रूट पर वो चौंका। मिस्टर रूट, वो मुझे मिस्टर रूट कहती है? हाँ, और कई बार तो मैंने उसे आपको खड़ूस कहते हुए भी सुना है। वो सफाई से झूठ बोली। बेवकूफ़ लड़की, उसने गुस्से से कहा। और क्या कहती है वो मेरे बारे में? उसने फिर सवाल किया। और ना जाने क्या क्या, बस ये कहती है, मुझे तुम्हारा भाई कोई ज्वालामुखी लगता है जो प्रेशर लगते ही फट पड़ेगा। जैन को जहाँ गुस्सा आ रहा था, वहीं निगत इस बात से मज़ा ले रही थी। निगत हंसी से पागल हो रही थी। जैन ने जब मुड़ के देखा तो घबरा गई। जैन समझ गया कि वो झूठ बोल रही है। मैं मिस्टर रूट हूँ। नहीं, निगत ने डरते हुए कहा, मैं खड़ूस हूँ। नहीं भाई, निगत की बच्ची। जैन ने कुशन उठाकर उसे दे मारा और दूसरा कुशन उठाकर उसके पीछे भागा। निगत, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। वो उसके पीछे लगातार भाग रहा था। उसने कुशन उसकी तरफ उछाला पर वो कुशन निगत को नहीं लगा। कमरे से निकलते हुए नूरा के सर पर जोर से लगा और वो नीचे गिर गई। सायरा जल्दी से उसके करीब आई और जैन को देखा जो अभी तक सकते की हालत में खड़ा था। ये क्या किया जैन, बेचारी बेहोश हो गई, उन्होंने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। उन्होंने पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे तो वो जरा होश में आई। सब कमरे में मौजूद थे, इसलिए वो संभल कर बैठ गई। आर यू ओके बेटा, सायरा ने उससे पूछा। उसने हाँ में सर हिलाया। जैन से ही देख रहा था। उसकी तरफ देखने पर उसने तुरंत माफी मांगी। आई एम सॉरी, सबकी हंसी छूट गई। पर सायरा के घूरने पर सब खामोश हुए। आंटी, मैं हॉस्टल जाना चाहती हूँ। ये सुनते ही जैन ने उसकी तरफ देखा। पर बेटा, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। मैं जानती हूँ, पर मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ, उसने कहा। ठीक है, पर तुम्हारा ही घर है, जब दिल चाहे आ जाना। ये कहकर उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा। जैन बेटा, तुम नूरा को हॉस्टल छोड़ आओ, उन्होंने कहा तो वो एकदम आगे बढ़ा। नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, उसने कहा। पर जैन को ये बात अच्छी नहीं लगी। सायरा उन दोनों को एक दूसरे के बारे में जानने का मौका देना चाहती थी, पर दोनों ज़िद्दी थे, इसलिए जानती थी अगर नूरा मना करेगी तो जैन भी नहीं जाएगा, इसलिए चुप रही और उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया। वो रेलिंग पर उदास खड़ा था जब निगत उसके पास आई। आई एम सॉरी भाई, वो शर्मिंदा थी। इट्स ओके, उसने प्यार से जवाब दिया। आप उसके जाने से अपसेट हैं? निगत ने उससे पूछा। वो कुछ नहीं बोला, उसे लगता है मैं उससे प्यार नहीं करता। निगत को अफसोस हुआ। तो भाई, आप उसको बता दीजिए ना।
ये इतना आसान नहीं है, उसने उदासी से कहा। तो फिर करते रहिए किसी और से प्यार और उसकी बदगुमानी बढ़ाते रहिए, उसने गुस्से से कहा। भाई मैंने देखा है आप दोनों को एक दूसरे के लिए तड़पते हुए, वो आपको मुश्किल में नहीं देख सकती और न ही आप उसको देख सकते हैं, तो प्लीज़ ईगो वाली बात बीच में मत लाइए, क्योंकि आप लड़के हैं तो पहल आपको ही करनी होगी, आखिरी जुमला वहाँ से खिसकते हुए कहा गया। नहीं तो जैन फिर उसकी खबर लेता और वो उसकी बात पर गौर करने लगा। अब दिल उसे अपनी बात बताने के लिए बेचैन था, उसने सुबह का भी इंतज़ार नहीं किया और ऊपर उड़ गया। नूरा अपने बेड पर उसका पंख लिए बैठी थी, किताबें अपने सामने फैला रखी थी, पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, बस याद था तो वो पंख जो जैन का था। उसे यकीन आ चुका था कि उस दिन भी जैन ने ही उसे बचाकर यहाँ लाया था। तभी अपने रूम की खिड़की पर कोई साया नजर आया, जिससे डरकर वो सीधी हो बैठी। कौन है, उसने पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। उठकर बाहर बालकनी में आई तो कोई नहीं था। इधर उधर देखने के बाद फिर अंदर जाने लगी तो फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार उसे परछाई भी दिखाई दी। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने अपना सर झटका और अंदर आ गई। जैन नीचे उतरा और उसके रूम में झाकर देखने लगा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। कहाँ गई है, उसने सोचा और अंदर रूम में चला आया। किताबें बेड पर फैली हुई थी, पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो जैसे ही मुड़ा तो चौंक गया, नूरा बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जानते हैं ना ये गर्ल हॉस्टल है, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, उसने गुस्सा जाहिर किया। जैन भी शर्मिंदा हुआ। सॉरी, मैं वो तुमसे बात करने आया था, उसने उसे देखते हुए कहा। तो आप सुबह कॉलेज में बात कर लेते। मैं सुबह की वेट नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि बात मेरी और तुम्हारी है, वो उसे देखने लगी। जानती हो, मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो मुझसे दूर चली गई और मैं उसकी गलत फहमी भी दूर नहीं कर पाया। वो जो भी कह रहा था नूरा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, इसलिए वो गुस्से से बोली। तो आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं, जैन उसके करीब आया और उसका हाथ थमा। क्योंकि तुमने उस लड़की को मुझसे दूर कर दिया, नूरा रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू निकले जिन्हें जैन ने अपने पोरों से साफ किया। कितना मुश्किल होता है ना अपनी मोहब्बत को किसी और से जुड़ते देखना। वो बस उसे सुन रही थी और अपने पैरीजात होने पर गुस्सा हो रही थी। काश वो उन दोनों के बीच में ना थी जिससे वो मोहब्बत करता है, वो सोचने लगी। काश तुम मेरे और उसके बीच में ना आती, जैन के कहने पर वो उसे देखने लगी। मैं आपके और उसके बीच में नहीं हूँ, प्लीज़ चले जाइए यहाँ से, वो उससे दूर हुई और जाने के लिए कहा। जैन मुस्कुराया। क्या उस लड़की का नाम नहीं जानना चाहोगे? नहीं, वो गुस्से से बोली। जैन फिर मुस्कुराया और उसके करीब आया, उसका रुख अपनी तरफ कर फिर उसका हाथ थामा। उसकी आंखें बंद थी पर वो उसे देखते हुए बोला। वो लड़की जो मेरी परवाह करती है, मेरा ख्याल रखती है और मेरा पंख अपने पास अपने दिल में रखती है। ये सुनते ही नूरा ने अपने आंखें खोली। जैन मुस्कुराने लगा। हाँ तुम ही हो वो लड़की जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, नूरा बिना पलके झपकाए उसे देखने लगी। नूरा को यकीन नहीं आया, इसलिए जैन ने उसे गले से लगा लिया। नूरा उससे गुस्सा थी, उससे ज़्यादा वो खुश भी थी, इसलिए शिकायत करने में देर नहीं लगाई। तो ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे हमेशा हर्ट किया, कभी बताया भी नहीं, उसने मासूमियत से कहा तो जैन मुस्कुराया। जैन उससे अलग हुआ और उसे देखने लगा। तुम अच्छे से जानती हो मेरी शादी पैरीजात से होनी थी और उस वक्त जिसे मैं पैरीजात समझ रहा था वो तुम नहीं थी, उसने सफाई पेश की। तो क्या वो लीजा से प्यार सब झूठ था, उसने सवाल किया। लीजा का नाम मत लो, बस अपनी और मेरी बात करो, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों मुस्कुराने लगे। जैन उसको देखता रहा और वो भी। कितनी ही देर ऐसे ही गुजर गई जब उसे याद आया कि वो अभी भी यही है, इसलिए घबरा गई। अब जाए नहीं तो कोई देख लेगा। नहीं, जैन ने नूरा से अपने दिल की बात कह दी। अब जारून पैरीजा से अपने दिल की बात कहना चाहता है,
यह कहकर वो अपने असली रूप में आया। क्या तुम जारून के लिए अपने असली रूप में आओगी? तभी नूरा ने अपनी आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो वह एक खूबसूरत पैरीजात बन चुकी थी। वो दोनों छत पर आए, दोनों ने एक साथ अपने पंख खोले और ऊपर उड़ गए। ये सब अरीना भी देख रही थी। अगर एक प्लान फेल हुआ है तो तुम्हें क्या लगता है दूसरा भी फेल हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा अरीना। अरीना की एक चाल नाकामयाब हुई है, दूसरी नहीं होगी। क्या बात है अरीना, तुम इन दोनों को ही क्यों देखती रहती हो? ईशाल जो अभी अंदर आया था कहने लगा, क्योंकि ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो कड़ी निगाह तो रखनी ही चाहिए, वो भी तब जब कोई नुकसान पहुंचाए। और इन्हें देखकर नहीं लगता ये तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। ये ना सही, पर इनकी ताकत मुझे मौत के घाट जरूर उतार सकती है। वैसे इस खूबसूरत लड़की को कौन मारना चाहेगा, उसने नूरा को देखते हुए कहा। उस पर गलत निगाह मत डालना, क्योंकि जिसकी वो मलकियत है ना, तुम्हारी हड्डियाँ तो क्या राख भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा तो ये बात है, उसने मजा लिया। तो आगे क्या प्लान है, उसने पूछा। बहुत कुछ सोचा है, पर पहले शादी तो हो जाने दो। क्या मतलब, अभी तो तुम इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहती थी। क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि इन दोनों की कमजोरी क्या है, पर अब जब पता चला तो। तुम जानते हो हमें क्या करना है, हमारी काली दुनिया में कमजोरी पर वार करते हैं। ईशाल ने तुरंत जुमला मुकम्मल किया। वो दोनों हंसने लगे और उन दोनों को देखने लगे। सो फ्रेंड, जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सोचिए कि आगे क्या होगा, क्या होगी अरीना की अगली चाल, और क्या जैन और नूरा इस मुसीबत को भी दूर कर पाएंगे। सो गाइज, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।